नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट में आएगा नई खेल नीति का प्रस्ताव। नीति में खेल विज्ञान केंद्र और खेल विकास निधि का प्रावधान, सीएम ने दिए निर्देश। कांग्रेस का राज्य भर में सत्याग्रह, हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सत्याग्रह। महात्मा गांधी और अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन ने पकड़ी रफ्तार, स्वागत में पहुंचे 20,000 पर्यटक। चारधाम यात्रा को लेकर 3 महीने में 1,00,000 से ज्यादा ई पास जारी, 57,000 तीर्थयात्री कर चुके दर्शन। कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। दुकानदारों से अपील की गई कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, दुकान पर मास्क नहीं तो सामान नहीं का लगाए नोटिस। बेरीनाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, विकासखंड कार्यालय में कर्मचारियों में हड़कंप, संपर्क में आए 44 कर्मचारियों की हुई जांच। आप देख रहे हैं KNews, खबरों का सारथी। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के मौके पर डोईवाला में हवन पूजन करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोईवाला के गन्ना सहकारी समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए बाबा की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी। कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने बाबा जी को याद करते हुए किसानों के हितों के संघर्ष को याद किया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए कहा कि आज डोईवाला के सभी गन्ना किसानों का भुगतान कराने में यूनियन ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, जिसके कारण सभी किसानों का पूरा भुगतान हो पाया है। संघर्ष ये रंग ला रहा है, किसानों को जो जगाया है, किसानों को अपने मांग के लिए जो जगाया है, वो बाबा महेंद्र सिंह की कहती ने नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारी रियायती के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए युवाओं, महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र में नशे के मामलों को जागर कर पुलिस को जानकारी देने की अपील लोगों से की जा रही है। डोईवाला के कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि अक्टूबर माह में पुलिस के अधिकारी डोईवाला के सभी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ ही नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताएंगे और इससे दूर रहने के उपाय बताकर लोगों से अपील करेंगे। जो नशे को लेके जो है युवा वर्ग जो है वो काफ़ी प्रभावित है, तो हमारे द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें कनेक्टेड हैं, इससे रिलेटेड हैं, या वो देखा जा रहा है कि वो नशे के आदि हो चुके हैं, तो उनको हम ग्रीटिंग कर रहे हैं, उनके फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए गए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच 3 सप्ताह में कराकर पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। पिछली तिथि को कोर्ट ने जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करने के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा था। राज्य सरकार की तरफ से संबंध में शपथ पत्र पेश कर कहा कि सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने हेतु 1.5 साल का समय लगेगा और उसको 1.5 साल का समय चाहिए, परंतु कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 सप्ताह के भीतर जांच कराने को कहा है। मामले सुनवाई के लिए कोर्ट में 2 नवंबर की तिथि नियत की गई। आज राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया कि सभी अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए उन्हें कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें निर्देशित किया कि 3 हफ्ते के अंदर सभी के प्रमाण पत्रों की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अगली सुनवाई 2 नवंबर को। कोविड-19 की छूट मिलने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा पर बाढ़ छोड़ने लगी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने की आशंका भी बढ़ने लग गई है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में दर्शनों की बुकिंग 1 सप्ताह तक फुल हो चुकी है। यात्रियों की बढ़ती आवक से केदार घाटी में रौनक देखने को मिल रही है और व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं।
यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं न होने से तीर्थयात्री परेशान नजर आ रहे हैं और उन्हें प्रशासन की ओर से कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही। केदारनाथ धाम में यात्रा चढ़ने लगी परवान। छूट मिलने के बाद लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बड़ी आमद। मंदिर प्रांगण में उमड़ रहे श्रद्धालु। सामाजिक दूरी का नहीं किया जा रहा पालन। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु परेशान, नहीं खुली दुकानें। कोरोना महामारी के चलते चारों धाम की यात्रा पर बुरा असर पड़ा, जिससे धामों में यात्रियों की संख्या भी काफी कम रही है। मगर अब सरकार की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइन में छूट मिलते ही यात्रा में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार के 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त करने के बाद यात्रा रूटों पर यात्रियों की आमद बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में बुकिंग एक सप्ताह तक फुल हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने धामों में दर्शन का समय दोपहर 12 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर देखने को मिल रहा था। यात्रा मार्गों पर सन्नाटा छाया रहता था, मगर 2-3 दिनों से यात्रा में भारी इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की जिम्मेदारियां भी ऐसे में बढ़ गई हैं। केदार घाटी के गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड में यात्रियों की चहलकदमी से रौनक लौट आई है। इससे व्यापारियों का व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में कोरोना महामारी का भय भी बना हुआ है। केदारनाथ के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि प्रशासन ने जो है यात्रा खोल दी है, इसका हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए यात्रा जो है कि सोशल डिस्टेंस का कोई वो नहीं है, जिससे कि ये महामारी फैल सकती है। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, जो भी लोग यात्रा में आ रहे हैं, इसलिए केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ में आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा नहीं तो ये महामारी जो है फैल सकती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डेमरी की रिपोर्ट। अनलॉक 5.0 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आवत से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार होने लगे। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे। देखिए रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल की फिर लौटी बहार। शहर में पर्यटकों की दिखी अच्छी खासी आमद। उमड़े पर्यटक तो खिले कारोबारियों के चेहरे। वोटिंग के साथ ठंडी हवाओं का पर्यटक उठा रहे लुफ्त। अनलॉक 5 के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार होने लगे हैं। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटक नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिनसे पर्यटक स्थल एक बार फिर गुलजार हो चले हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक सरोवर में वोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के लुत्फ उठाने, साथ ही दिलकश सुंदर नजारों और प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे पूरी सावधानी बरतते हुए 6 महीने बाद घूमने निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग काफी टाइम बाद आए हैं लॉकडाउन के बाद, तो बहुत मजा आ रहा है। काफी अच्छा मौसम है, हम लोग गुड़गांव से आए हैं, तो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल व्यू हियर, वी आर एंजॉयिंग। हम लोग कोविड
से काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बट अच्छा है। हम पिछले 6-7 महीनों से घर में काफ़ी बोर हो रहे थे और इतने टाइम बाद निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं और सारी प्रिकॉशंस के साथ सैनिटाइजर मास्क यहाँ पे सभी लोग ये सब यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। कोरोना का खतरा तो है पर अपनी प्रिकॉशंस के साथ हम इस खतरे से डील कर पा रहे हैं। सैनिटाइजर्स हैं, सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं। बता दें, अनलॉक 5 शुरू होने और नियमों में छूट मिलने के बाद सरोवर नगरी अपने पुराने रूप में लौटने लगी है। शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पर्यटन कारोबारियों समेत तमाम छोटे कामकाज में लगे लोग खासे उत्साहित हैं। शहर में पर्यटकों की अच्छी खासी आमद रही। मल्लीताल पंत पार्क, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, स्वेन्यू, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, वाटरफॉल में भारी संख्या में पर्यटक सैर सपाटा करने पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों ने नैनी झील में जमकर नौकायान भी किया। बड़ी संख्या में पर्यटक घुड़सवारी करने पहुंचे। कामकाज वापस पटरी में लौटने से कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटने लगी है। सुनसान पड़ी सड़कों में वाहनों की बढ़ती आवाजाही से नैनीताल ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुँच रहे पर्यटकों की मुसीबतें यहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को घंटों अपनी गाड़ियों में पसीना बहाना पड़ रहा है क्योंकि नगर की पार्किंग वाहनों से पूरी तरह से पैक हो गई है। माल रोड समेत अन्य सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस को भी खासा पसीना बहाना पड़ा। बहरहाल अनलॉक 5 शुरू होने और नियमों में छूट मिलने के बाद सरोवर नगरी अपने पुराने रूप में लौटने लगी है और कारोबारियों में भी खुशी नजर आ रही है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। बेरीनाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विकासखंड कार्यालय में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बाल विकास विभाग के कार्यालय को 2 दिन तक बंद करने के साथ ही परियोजना अधिकारी के संपर्क में आए 44 कर्मचारियों का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रैपिड टेस्ट करवा दिया गया। 2 अक्टूबर को आधे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसी दिन देर शाम को अधिकारी ने अपना सैंपल दिया था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि पॉजिटिव आए अधिकारी को कोरोना केयर सेंटर चौकोड़ी भेज दिया गया और अन्य लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। नगर पंचायत बेरीनाग के द्वारा विकासखंड परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। SDM सभी लोगों से मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाकर कार्य करने की अपील कर रहे हैं। यूपी के हाथरस में बालिका की हत्या के मामले में कांग्रेस ने राज्यभर में सत्याग्रह किया। सभी जिला और महानगर मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाथरस हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं
और सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। और अब बढ़ेंगे खबरों में, डोईवाला में तहसील प्रशासन ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जहां पूरी तरह से कमर कसी है, तो वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सख्त हो गया है। तहसील और कोतवाली पुलिस अब दुकानदारों से अपील कर रही है कि वो लोग अपनी दुकान पर मास्क नहीं तो सामान नहीं का नोटिस लगा ले, ताकि लोग मास्क की अनिवार्यता को समझे और कोरोना से लड़ने में शासन प्रशासन का सहयोग दे। प्रशासन भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक कर रहा है, कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, इससे अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके जो चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहेंगे कि सभी जो व्यापारी वर्ग हैं कि वो अपने दुकान के आगे एक स्टिकर जरूर लगा दें सभी कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, या मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। तो यदि ये लोग इस चीज़ का पालन करेंगे तो मुझे लग रहा है ये जो कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसमें सरकार के स्तर पर भी या DM साहब के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा और नगर पालिका के सहयोग से 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही बिजोरा मंजोला का चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव संरक्षक हीरा सिंह द्वारा आलम सिंह की अधीक्षता में करवाया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों सदस्यगणों ने गुरुद्वारा साहिब में अरदास कर कार्यभार संभाला। नवनियुक्त कमेटी ने गुरुद्वारा परिसर में मत्था टेक कर पदभार ग्रहण किया। सरकार गुरदयाल सिंह जी अध्यक्ष, सरदार गुरमुख सिंह उपाध्यक्ष, सरदार बलवीर सिंह सचिव, सरदार जवरलाल सिंह कोषाध्यक्ष, बॉबी भाटिया उप सचिव, सरदार रणजीत सिंह सलाहकार, हरभजन सिंह को एडिटर चुना गया। पदाधिकारियों के अलावा अन्य 14 सदस्य अभी सभी का आभार व्यक्त किया गया और सभी से मिलजुल कर गुरुद्वारा साहिब की सेवा में कार्य करने की अपील की। चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें अध्यक्ष पद से श्री गुरदयाल सिंह निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वह दूसरा सचिव पद पर बलबीर सिंह को निर्वाचित किया गया है। उसका कार्यभार के लिए मैंने आज गुरुद्वार सिंह पाछा बिजोरा में सौंप दिया है। इसके लिए गुरदयाल सिंह ने आश्वासन दिया है कि पूरी संगत को लेकर मैं यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य करूँगा और संगत यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा, संगत द्वारा ही कार्य करवाया जाएगा। लालकुआ के नगर पंचायत के विस्तारीकरण को लेकर एक बार फिर लालकुआ क्षेत्र के लोगों ने नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की और एक ज्ञापन देकर लालकुआ नगर पंचायत के विस्तारीकरण में तेजी दिखाने की बात रखी। कई समय से लालकुआ क्षेत्र के लोग नगर पंचायत के विस्तारीकरण की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते नजर आए, पर अभी तक किसी भी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी और अब देखना होगा कि सांसद क्या इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से कैसे बात करेंगे। माननीय सांसद महोदय ने उनके बारे में हम लोगों को ज्ञापन दिया है। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि मैं मदन कौशिक जी से उसका जो है विस्तार से चर्चा करूंगा और इसका क्या मामला है, हमने इनके संज्ञान में सारी बातें रखी हैं कि पहले इसको एक बार नगर पालिका में शामिल कर लिया गया था और फिर नगर पालिका वापस होने के कारण फिर हम लोग असहाय हो गए। तो उन्होंने बहुत सुस्ता से इस बात को समझा है और बोला है कि मैं मदन कौशिक जी से इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करके उसमें कुछ सही परिणाम आप लोगों के सामने रखता हूँ। खबर बेरीनाग से है, जहां पर नगर पालिका डीडीहाट क्षेत्र में लंबे समय से बंदरों का आतंक, नगरवासी परेशान हो गए थे। बंदरों ने कई लोगों को काट कर घायल भी कर दिया था, जिससे नगर क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल बन गया था। नगरवासियों की समस्या को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौपाल शीघ्र कार्रवाई करते हुए नगर के हिस्सों में बंदरों को पकड़ने के लिए मंकी कैचरों की तैनाती कर दी। वहीं 5 दर्जन से अधिक बंदरों को पकड़ भी लिया जा चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चौपाल ने कहा कि नगर को बंदरों के आतंक से मुक्त किया जाएगा और नगर पंचायत अध्यक्ष के इस प्रयास से नगरवासियों ने इसकी सराहना भी की है। जैसा कि
डीडीहाट नगर में बंदरों का बहुत आतंक हो गया था और उसी को देखते हुए मेरे पास जो डीडीहाट की जनता थी वो आई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम इतना आतंक हो रहा है यहाँ पर, काफी लोगों को घायल किया बंदरों ने यहाँ पर, तो उसके लिए हमने बाहर से टीम बुलाई मंकी कैचर्स की। उन्होंने कल से यहाँ पर बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द हम पूरे नगर से इन बंदरों को पकड़ कर एक सुरक्षित जगह में इनको छोड़ के आएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रशासन की अनुमति न मिल पाने से इस बार हर साल की तरह सितारगंज में रामलीला मंचन नहीं किया जाएगा। रविवार 4 अक्टूबर शाम 5 बजे रामलीला कार्यालय में कमेटी की बैठक का यह फैसला लिया गया। साथ ही बैठक में कमेटी ने निर्णय लिया कि नवमी के दिन रामलीला के मंच पर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं विजयदशमी के समापन कार्यक्रम में कुछ ब्राह्मणों का सम्मान व भोजन होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा जिसमें कमेटी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण शहर में इस बार विजयदशमी के उपलक्ष्य में रामलीला का मंचन नहीं होगा और इसी के साथ ही रामलीला मेले में दुकान आदि लगाकर कमाई करने वालों की उम्मीदों पर भी इस फैसले से पानी फिर गया। हम लोगों ने मीटिंग की कि इतने वर्षों से रामलीला हो रही है तो मंच पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो सब लोगों का ये मत है कि अखंड रामायण कराई जाए। तो इस यही निर्णय आज हुआ है कि अखंड रामायण हम लोग कराएंगे और दशहरा के दिन उसका समापन होगा ताकि कुछ ना कुछ भगवान श्री राम का काम हो सके। पिछले साल इस समय विश्व पर्यटन स्थल चाकोड़ी और मुनस्यारी में पर्यटकों की खास रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पर्यटक स्थल मुनस्यारी का देखिए इस रिपोर्ट पर। पर्यटक स्थल मुनस्यारी समुद्र तल से 2,298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर ज्यादा समय से बर्फबारी के कारण प्रसिद्ध होने के साथ इसको हिम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पंचाचूली का दृश्य बहुत नजदीक से देखने के साथ ही यहाँ पर खलिया टाप और नंदा देवी सहित कई पर्यटक स्थल है जहाँ पर साल भर पर्यटक की चहल कर्मी देखने को मिलती है। अब अनलॉक 5 के बाद पर्यटक स्थल मुनस्यारी में कुछ ही पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहुँच रहे पर्यटकों ने बताया कि सरकार को लॉकडाउन के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सुविधा देनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर पर्यटक पहुँच सके और पर्यटकों को पैकेज भी देना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की मेन आय का स्रोत पर्यटन है और अभी कोविड के टाइम पे पर्यटन तो पूरा बैठ गया हमारे उत्तराखंड का, जिससे यहाँ की आय भी बैठ गई है। इस मौके में सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि लोगों को प्रेरित करें पूरा अपना प्रोटेक्शन लेके, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, हाथों को सैनिटाइज करके इस तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन अगर हम सरकार यहाँ तक चाहती है कि लोग पर्यटन बढ़े तो यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी देनी होंगी, जैसे जहाँ पे हम लोग रुके वहाँ मेडिसिन वगैरह कोई इंतजाम नहीं है। किसी भी पर्यटक को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए वहाँ पे जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए, साफ पानी की सुविधा होनी चाहिए और ऐसे मूवमेंट बार बार लोगों को, ऐसे यंग लोगों के लिए बार बार करने चाहिए ताकि लोग प्रेरित हों इस जगह पे आने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, उत्तराखंड यूजली भी हमारा बहुत ही प्रेफर्ड रूट है। इनफैक्ट कोरोना से पहले भी हम यहाँ पर काफी आए हैं, रोड ट्रिप यूजली यही करते हैं क्योंकि काफी सीनिक व्यू है, बहुत पीसफुल है। ऑफिस का काम करके जब थक जाते हैं तो यहाँ आते हैं, बहुत पीस फील होता है। एंड अभी आफ्टर लॉकडाउन आफ्टर 9 months वी हैव कम हियर, तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। यही मैसेज देना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए यहाँ पे और एक्सपीरियंस करना चाहिए उत्तराखंड की सर्विस। हम हल्द्वानी से आए हैं एंड वी बोथ आर डॉक्टर्स, तो हम यहाँ सनराइज देखने आए थे मॉर्निंग में। इट्स अ ऑसम व्यू, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके, एंड 0 point जाके भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब यहाँ आना चाहिए, इतनी अच्छी जगह है, एक बार अपनी लाइफ में खुद को फील करने के लिए यहाँ जरूर आना चाहिए आपको। बट थोड़ा सा यही कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा और डेवलप किया जा सकता है, थोड़ा सा फैसिलिटीज बढ़ाई जा सकती है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके।
लॉकडाउन के बाद मुनस्यारे में पर्यटक व्यवसायियों को लाखों का नुकसान हो गया है। पर्यटन व्यवसायियों ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व मई के महीने में यहां पर कमरों की ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी। आने वाले महीनों की पिछले वर्षों में अग्रिम बुकिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार अधिकांश होटल और पर्यटक स्थल सुनसान पड़े, जिससे मुनस्यारी क्षेत्र को लाखों का नुकसान हो गया है। सरकार को पर्यटन व्यवसायियों को लॉकडाउन के कारण छूट देने और आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें जो कोविन का जो वो चल रहा है, इसमें जरा ढील दिया जाए और इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि जितने भी प्लान करके जो लड़के गए थे सब यहाँ आ चुके हैं, रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। यहाँ मुखिया पर्यटन ही, पर्यटन ही पर ही जो है कि पूरा क्षेत्र निर्भर है, और इसलिए जो है कि सरकार से हमारा आग्रह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था कर दी जाए और होटल व्यवसाय से जो जुड़े हैं उनको पानी बिजली अन्य चीज़ों में भी राहत दिया जाए, ताकि वो भी अपने व्यवसाय को आगे सुचारू ढंग से रख सके। प्रदेश का पर्यटन से आय का बहुत बड़ा संसाधन है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के कारण पर्यटन व्यवसाय पटरी से उतर चुका है, अब सरकार फिर से यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है और अनलॉक 5 के बाद अब पर्यटन व्यवसाय फिर एक बार पटरी पर आएगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। प्रदीप मेहरा की मुनस्यारी से खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है, अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूं ना, आपका बेटा हूं, आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो, ये बहुत गंदा।